अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2019 जामिया 11 साइंस में जो एंट्रेंस में पेपर पूछा गया था उसके फिजिक्स के जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि जो एंट्रेंस में 2019 के जामिया के 11 साइंस में पेपर आया था उसके अंदर जो फिज़िक्स वाला पार्ट था, जो साइंस के अंदर फिज़िक्स आता है, उसके क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। इसमें हमें यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 86 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 86 की बात करें जो इसने दे रखा है यहाँ पे, तो उसके अंदर लिखा गया है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो मेज़रमेंट किया जाता है वो वोल्ट मीटर के ज़रिए किया जाता है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर विच इंस्ट्रूमेंट Which instrument is used for measuring electric potential तो इसके लिए चार ऑप्शन दे रखे इसने। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है एमीटर, और ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है इसने गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमको यहाँ पे वोल्ट मीटर, और ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया गया है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर। ये चारों ही डिवाइस होते हैं, एमीटर करंट को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर करंट के सेंसेशन को, वोल्टेज के सेंसेशन को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, बट वोल्ट मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ही मेजरमेंट करता है। तो उस वजह से ये हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 86 है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 87, और 87 क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, जिसके अंदर दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, यानी कि विद राइज टेम्परेचर विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल प्योर मेटल्स, तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है हमें यहाँ पे डिक्रीज, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हमें रिमेंस कांस्टेंट। रिमेंस कांस्टेंट तो हमें पता होना चाहिए कि जब किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, इसका मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। ऑप्शन का क्वेश्चन का आंसर तो ये है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिसिटी से हैं, जो 11th जो 10th क्लास में है ये भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। यहाँ से दो क्वेश्चन और बन जाते हैं अच्छे अच्छे से, क्या कि रजिस्टर जो है रजिस्टेंस जो है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो रजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज़ होता है तो रजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता है। दूसरा, रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कि एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घट जाता है, कम हो जाता है। और तीसरा फैक्टर यही होता है कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है वैसे वैसे ही रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीज़ क्यों, अगर टेम्परेचर राइज कर दिया गया है तो रेजिस्टेंस भी राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन नंबर 87 दोनों के दोनों हमारे पास में जामिया 11 साइंस एंट्रेंस पेपर में आए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 जो इलेक्ट्रिसिटी से ही है उसका भी हम अभी देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 88 क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है थ्री रेजिस्टेंट
3 resistance are of 10 ohms, 15 ohms and 30 ohms are connected in parallel, the equivalent resistance will be. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें कि तीन रेजिस्टेंस हैं, थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम्स, 15 ओम्स एंड 30 ओम्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. आर कनेक्टेड इन पैरेलल दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी कितना होगा. तो इसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है. ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 5 ओम, ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है हमें 10 ओम, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है हमें यहाँ पे 15 ओम और ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है यहाँ पे 50 ओम. तो रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. वो फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई कर देंगे. तो ये यहाँ पे लगाएंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. तो इस फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/10 + 1/15 + 1/30, तीनों से एलसीएम हमारे पास में 30 आ जाएगा. 10 3 30 होते हैं तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई, 15 2 30 होते हैं तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई, प्लस 30 1 30, तो ये हमारे पास में आ गया 6/30. 1/R की वैल्यू आ गई हमारे पास में 6/30. अगर हम R की वैल्यू निकालेंगे तो इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा, तो R = निकल के आ जाएगा 30/6. 6 से 5 टाइम कैंसिल आउट, तो रेजिस्टेंस का आंसर कितना आ गया 5 ओम. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 88 इसे नोट करते जाइए साथ साथ में. क्वेश्चन नंबर 89 क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है यहाँ पे हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इसके लिए हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, फेराडे, ओरस्टेड, वोल्टा एंड एम्पियर. जो वोल्टा थे वो भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कवर किया था, जिसके नाम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट भी रखी जाती है. और अगर ओरस्टेड की बात करें, क्रिश्चियन ओरस्टेड ने सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में बताया था, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कवर किया था, तो उसकी वजह से उन्हीं के नाम पे ओरस्टेड मैग्नेटिक फील्ड के लिए जाने जाते हैं. देन एम्पियर भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट के लिए बताया था, बट यहाँ पे हम माइकल फेराडे की बात करेंगे क्योंकि माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बताया. तो क्वेश्चन नंबर जो 89 पूछा गया है हमसे, उसके अंदर यही कहा गया है कि हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है हमें यहाँ पे फेराडे, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है हमें यहाँ पे ओरस्टेड, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे वोल्टा एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है हमें यहाँ पे एम्पियर. तो ये चारों ही साइंटिस्ट हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लॉ दिया था वो माइकल फेराडे ने दिया था, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर दिया था. ये क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, इससे पहले के जो हमने तीन क्वेश्चन किए हैं तीनों के तीनों इलेक्ट्रिसिटी से थे. तो ये क्वेश्चन हमारे पास में एक नया आया है जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आया है. क्वेश्चन नंबर 90 भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही है. उसके अंदर पूछा गया है हमारे से कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, किस किस के ऊपर डिपेंड रहता है. यहाँ पे देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद इसे सोल्व कर लेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्ट अराउंड अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हमें यहाँ पे वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमें यहाँ पे करंट, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमें यहाँ पे थिकनेस,
ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें पता होना चाहिए कि जब किसी वायर के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी के चारों तरफ बन रहा है तो इसका मतलब डायरेक्टली वो डिपेंड होता है कि इलेक्ट्रिक करंट से, जितनी ज़्यादा यहाँ पे करंट फ्लो होगी इस वायर के अंदर उतना ही हाई मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वोल्टेज के ऊपर तो डिपेंड होगा नहीं, करंट ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, थिकनेस पे और लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा किसी वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम याद रखेंगे कि जिस वायर के अंदर को करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा उसके चारों तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करंट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन में हमें दिया गया इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डायरेक्शन इन इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही क्वेश्चन है जिसमें पे दिया गया है हमें इन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल डायरेक्शन इन इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय। तो इस क्वेश्चन का हम आज जो हमें दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है थंब, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया गया है यहाँ पे मिडिल फिंगर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमको दिया गया है फर्स्ट फिंगर और ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है नन ऑफ दीज, अब आइए इसे समझते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था कि अगर हम अपने पास का अंगूठा और दो उंगलियों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं तो ये अंगूठा कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब थंब तो होगा ही नहीं क्योंकि उसने हमसे पूछा गया है करंट इज गिवन बाय, करंट कौन सी फिंगर देती है, तो थंब क्या देगा हमारे, थंब देता है फोर्स। फर्स्ट वाली फिंगर्स हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है जो वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें करंट का पता करना है। देन सेकंड फिंगर जो होती है मिडिल फिंगर जो होती है वो करंट की डायरेक्शन को बताती है, इसलिए मिडिल फिंगर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस ऑप्शन को हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे कि मिडिल फिंगर ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्वेश्चन नंबर 91 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर फिर 92 की तरफ को चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से ही था। देन अब हमारे पास में नया क्वेश्चन जा रहा है क्वेश्चन नंबर 92, हमें लाइट से मिला है और 93 भी लाइट से, 94 भी लाइट से, 95, 96 ये सब लाइट से क्वेश्चन है, तो इनको भी हम देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्वेश्चन ये पूछा गया है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफिनाइट होती है, तो इसलिए यहां पर रखा गया है ऑप्शन नंबर ए में एट इनफिनाइट। एट इनफिनिटी दूसरा दिया गया है हमें जीरो और थर्ड ऑप्शन दिया गया है हमें यहां पे नेगेटिव। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमें यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे इन्फिनाइट क्योंकि फोकल लेंथ जो प्लान मिरर होता है उसकी इन्फिनाइट होती है, प्लान मिरर ये, अब इसके लिए फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, सब फोकल लेंथ के लिए कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इन्फिनाइट तक जा सकते हैं, तो इसको हम इन्फिनाइट फोकल लेंथ लगाएंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 93, हमें पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट एयर होती है वाटर नहीं होती। दूसरा दिया गया है हमें यहाँ पे
2.3 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड समथिंग इसी के आसपास होती है, मैं कैलकुलेट करूंगा अभी। और ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है 2.0 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 8, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1.2 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 8, सब मीटर पर सेकंड में ही दे रखे हैं सारे ऑप्शन। अब यहाँ से हमें जो करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो, हाँ बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है नीटा इजिकल्स टू सी अपॉन के वी। हमें वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट पता करना है, सी की वैल्यू 3 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 8, वेलोसिटी ऑफ लाइट होता ही है, तो वी इजिकल्स टू आ जाएगा हमारे पास में सी अपॉन के नीटा। नीटा इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है, तो उस वजह से हम यहाँ पे सी की वैल्यू रखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन 10 की पावर 8 और नीटा की वैल्यू 1.33। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे से 300 कर लेंगे, और जब 300 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 जा तो बिल्कुल ठीक टाइम पे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट समथिंग आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स कैंसिल आउट होने के बाद 166 बजाएगा। ये 133 2 जा कितना होता है 266, और यहाँ पे हमारे पास में 300 है, तो 266 में से जब हम 300 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 0.44 बचेगा, 44, जिसे कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2.3 10 की पावर 8 तो एज इट इज रह जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में इस क्वेश्चन का। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास में पूछा गया फिर 94 में पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव अ रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, तो इसके लिए भी हमें चार ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर में दे रखा है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव्स अ रियल इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड। तो ये क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर। अब चारों ऑप्शन के देखो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं इनको। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें दिया गया है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 94 के अंदर फर्स्ट दिया गया है हमें ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा ही नहीं जाता, तो ये तो होगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस के लिए नहीं होता, मिरर के लिए होता है, तो लेंस दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये लेंस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड नहीं यूज़ होता, वहाँ पे हमारे पास में जो यूज़ होता है वहाँ पे डबल फोकस यूज़ होता है, तो उसके लिए थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसने फोकस। फोकस ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि कहीं भी मिलेगा फोकस पे मिलेगा तो रियल इमेज बनेगा। पांच केस में कॉन्वेक्स के लिए रियल इमेज बनता है, एक केस में सिर्फ हमारे पास में वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनता है। वो केस होता है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस से आगे रखेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से पीछे रखेंगे, तो उन दोनों के बीच में रखेंगे तो उसका वहाँ पे हमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलेगा, वरना हर जगह पे रियल इमेज ही मिलेगा। ये एक तरह रियल इमेज वाला हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड फोर्थ दे रखा है हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो करेक्ट ऑप्शन होता ही नहीं है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो पॉइंट नहीं होता जहाँ पे रख सकते हैं, तो इसके लिए हमें फोकस यहाँ पे क्लियर ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।